बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड से शादी, कैसी दोस्त है, अपनी ही बेस्ट फ्रेंड का घर बर्बाद कर दिया। आप सोचेंगे मैं ये क्या बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ। तो बेसिकली ये वो कमेंट्स हैं जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी को लगातार सुनने को मिले हैं। जब से उन्होंने अपना रिलेशनशिप सोशल मीडिया पर रिवील किया, अपनी शादी के अनाउंसमेंट की, बस तभी से ये ऐसे कमेंट्स और ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। अब इन्हीं सबसे जुड़ा एक शो हंसिका मोटवानी का आ रहा है डिज्नी हॉटस्टार पर। अब आखिर क्या है ये शो, क्या है इसकी खास बातें, बताते हैं आपको इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्म बीट ओटीटी और मैं हूँ आपके साथ आंचल सनोरिया। मूवीज और वेब सीरीज से इंस्पायर्ड रियल लव स्टोरीज तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन एक ऐसी दिलचस्प लव स्टोरी जो अब आपको एक शो के फॉर्म में देखने मिलेगी, ऐसा पहली बार हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी की, जिन्होंने हाल ही में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से शादी की है। वो अपनी लव स्टोरी को एक शो के फॉर्म में सभी के साथ शेयर करना चाहती हैं। एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने हाल ही में शादी की और अब वह जल्द ही एक शो में दिखने वाली है। इस शो की खास बात यह है कि ये शो हंसिका मोटवानी और सोहेल कथूरिया की रियल लाइफ वेडिंग पर बेस्ड होगा। जी हाँ, ऑडियंस को हंसिका मोटवानी की शादी ज्यादा अच्छे से और करीब से देखने मिलेगी। हंसिका मोटवानी ने हाल ही में अपने शो को लेकर एक अनाउंसमेंट किया जिसका नाम है लव शादी और ड्रामा। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा। इस शो के नाम से ही पता चल रहा है कि हंसिका की रियल लव स्टोरी कितने सारे ड्रामों से भरी हुई है। एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें प्यार है, शादी है और बहुत सारा ड्रामा भी है। इसका प्रोमो वीडियो भी सामने आ चुका है जो हंसिका ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। हंसिका को अपनी शादी के बाद काफी ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा, उन्हें लगातार ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड के साथ शादी की। सोशल मीडिया पर उनके वेडिंग फोटोज और वीडियोस पर न जाने कैसे कैसे कमेंट्स उन्हें पढ़ने पड़े। और अब बताया जा रहा है कि ये शो स्पेशली इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए बनाया गया है। हंसिका ने लास्ट ईयर दिसंबर में सोहेल कथूरिया के साथ शादी की थी, एक प्रॉपर ड्रीमी वेडिंग। पेरिस में प्रपोजल के बाद जयपुर में फुल फैट इंडियन वेडिंग, हंसिका की ये पहली और उनके हस्बैंड की यानी सोहेल कथूरिया की ये दूसरी शादी थी। उन्होंने इससे पहले 2016 में हंसिका की ही एक कॉमन फ्रेंड से शादी की थी। अब बात करें इस शो की, तो यार शो का मोटिव जो है, कहीं ना कहीं लोग यही समझ रहे हैं कि हंसिका जिस तरह से लगातार ट्रोलिंग का सामना कर रही थी, उसी चीज को लेकर जस्टिफिकेशन के लिए ये शो ला रही है। अब मेन मुद्दा ये आता है कि ऑडियंस को ये शो कितना पसंद आएगा। आपको बता दें, इससे पहले मलाइका अरोड़ा ने ये हिम्मत दिखाई थी और अपनी लाइफ और उसमें आए सभी चैलेंजेस को खुलकर सभी के साथ शेयर किया था। तो फिलहाल ये हैं हंसिका के शो से जुड़ी कुछ खास बातें कि आखिर उनका शो क्यों आ रहा है, क्या होने वाला है इस शो में, ये तो खैर शो देखकर ही पता चलेगा, जो डिज्नी हॉटस्टार पर जल्दी स्ट्रीम होगा। इसका प्रोमो आ चुका है, अब ये कब स्ट्रीम होना शुरू होगा ये भी हंसिका जल्दी सबके साथ शेयर करेंगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ओटीटी से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें फिल्मी बीट ओटीटी।